अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पहले खबर फिर असर। तह से तहकीकात तक, जन जन से जुड़ा मुद्दा चाहे कुछ भी, हम पहुंचेंगे हर खबर की जड़ तक। देखिए मेरे साथ मुद्दा। बेटी पर क्या गुजरे इसका एहसास सिर्फ और सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो एक बच्ची का बाप हो या जिसने 9 माह उसे पेट में पाला है, उसे दिनों दिन पलता बढ़ता देख नए नए सपने देखे हों, दिल में नए अरमान जागे हों। हतरस की बेटी के साथ जो हुआ वह एक जांच का विषय है, लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, किन हालात में हुआ और प्रशासन ने उस पर लीपापोती क्यों की, यह भी गंभीर सवाल है जिसका जवाब हर वह शख्स जानना चाहेगा जिसके दिल में बेटी का दर्द झलकता है, आंख से आंसू बरबस निकल पड़ते हैं। क्या हाथरस की बेटी का कसूर सिर्फ यह है कि वह बेटी है? क्या यह कसूर है कि वह अति पिछड़े समाज से है? क्या यह कसूर है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है? क्या यह कसूर है कि शासन और प्रशासन के आला अफसर अपने मद में चूर हैं? क्या यह कसूर है कि उनकी हर शख्स को डंडे से हांकने की प्रवृत्ति पर कोई लगाम नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस ने किस अधिकार के तहत पीड़िता के शव को पेट्रोल डालकर जला दिया? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उसके अंतिम संस्कार से परिजनों को दूर रखा गया? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों हिंदू रीति रिवाज को डंडा मारकर रात 2:45 बजे उसका शव जला दिया गया? क्या यह सवाल अब नहीं बनता कि आखिर सरकार कर क्या रही है? उसके नुमाइंदे इतने बेखौफ, गैर इंसानियत, बेहया और निरंकुश कैसे हो गए? क्या इस पूरे कांड में SP समेत 5 पुलिस कर्मी ही दोषी हैं? क्या SP विक्रांत विक्रम व CO राम शब्द आदि ने सब अपनी मनमर्जी से किया? क्या जिलाधिकारी की इजाजत और जानकारी के बिना सब कुछ हुआ? पीड़िता के गांव को सील कर दिया गया? किस अधिकार के तहत मीडिया तक को भीतर जाने व परिजनों से बात करने नहीं दिया गया? कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दलों के लिए ऐसा माहौल क्यों बनाया गया कि वे चंद कदम चलकर अपनी राजनीतिक विसात को बचाने की जुगत लगा सकें? तभी कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने सवाल भी किया है कि केवल चंद लोगों को बलि का बकरा बनाकर मुख्यमंत्री अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन की भारी फजीयत के बाद हालांकि यह कहते हुए बात को संभालने की कोशिश की है कि दोषियों को ऐसा दंड मिलेगा जो उदाहरण बनेगा। योगी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर रवैया अपनाया जाएगा। यूपी में माता बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। प्रदेश सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास के लिए संकल्पबद्ध है। इस संपूर्ण घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रशासन में पुलिस द्वारा कराई गई सभी जांचों में यही बताया गया है कि युवती के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। यह भी बताया गया कि युवती के परिजन बार बार हर बार अपने बयान बदल रहे हैं। शुरू में घटना मारपीट की थी, बाद में आरोप सामूहिक बलात्कार के लगा दिए गए। यहां सवाल उठता है कि तो फिर प्रशासन ने वह सारे कदम, मसलन शव को पेट्रोल से जला देना, गांव आदि को सील कर देना क्यों उठाए? जब कोई घटना हुई ही नहीं तो पहरे वह उसे दबाने की जरूरत क्यों पड़ी? एक गंभीर पहलू यह भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार है जब पीड़िता परिवार के साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के भी नार्को टेस्ट कराने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अपराधियों को ऐसा दंड मिलेगा जो उदाहरण बनेगा। यहां सवाल उठता है कि बकौल पुलिस प्रशासन जब सामूहिक रेप की घटना हुई ही नहीं तो फिर दोषी कौन और फिर किस आधार पर उन्हें दंड देकर उदाहरण पेश किया जाएगा? अगर कोई दोषी नहीं है तो क्या सिर्फ जनभावना के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई उदाहरण बना दी जाएगी? ये वे सवाल हैं जो आने वाले समय में भी पुलिस प्रशासन व शासन को देने होंगे। इस बारे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी तमाम सवाल किए हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ये हादसा 14 तारीख को हुआ, आज 30 तारीख है,
आज पहली बार मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर बयान दिया है। इतनी हैवानियत हुई इस लड़की के साथ, इतना बड़ा हादसा हुआ और 15 दिन बाद इनका बयान आया है। और बयान में क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया और मैंने SIT को बनाया है। क्या आपको प्रधानमंत्री जी के फोन की इंतजार था? क्या 15 दिनों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए? इस लड़की का इलाज नहीं किया आपने? पीड़िता को किसी अच्छे अस्पताल में नहीं ले गए? परसों रात को इन्हें दिल्ली लाया गया है, उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया? इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने SIT जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? क्या आपके प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है? आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? किस तरह के मुख्यमंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह के मुख्यमंत्री हैं आप? इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।